हेलो गाइस, तो सबसे पहले तो स्मार्ट इंडिया यूट्यूब चैनल तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ सीरीज बनाने की, वो भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सस्ती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सीरीज के ऊपर है। उसके पहले ही हम बहुत वीडियो डाल चुके हैं फिक्सल LED के, बट उसमें क्या है, बहुत ही पैसे लग जाते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। कंट्रोलर हो गया, पिक्सल हो गया, वो सब बहुत कॉस्टली है। तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही सस्ती है, और सस्ते में आप अपने घर को रोशन कर पाओगे। मैं ऐसी आपको एक सीरीज बना के दिखाने वाला हूँ जिसमें खर्चा बोले तो 50 से 60 रुपये, बहुत कम खर्च में आप जो है वो अच्छे से अच्छा डेकोरेशन अपने घर में कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो पूरा देखिए, ताकि यही शॉर्ट टाइम है, यानी कि कल दीपावली है, तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, फिर भी आप जो है वो 1 घंटे के अंदर ये सीरीज बना पाओगे, वो भी इतना कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है उसमें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्मार्ट इंडिया में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो हम पार्ट देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा पार्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED है ये, और ये जो LED है वो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो घर में कोई भी आप जहाँ पे यात्रा पे जाते हो, कहीं दर्शन पे जाते हो, तो कहीं लाइट ऐसा फोटो भी घर में रहता है जो ख़राब हो गया होता, और कोई ना कोई LED वाला मतलब घर में कुछ तो पड़ा होता है ख़राब, तो उसमें से आप निकाल लो। मैंने निकाला है, मैं आपको बता रहा हूँ किसमें से मैंने यहाँ पे इसमें से निकाल लिया है, झूला है तो यहाँ से मैंने ये निकाल दिया है यहाँ से, और ये जो लाइट है वो मैंने निकाल दी। ठीक है, तो LED का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, आप कहीं से भी ला सकते हो। रही बात वायर्स की, तो यहाँ पे ये जो वायर है वो मैं मेरे पास था इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी घर का वायर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो चार्जर, तो ये चार्जर सैमसंग के पुराने मोबाइल का है, अभी आपको दिख रहा होगा, यानी कि वेस्टेज है ये चार्जर का पड़ा हुआ था। जो होता है कभी कभी कि मोबाइल हम पुराना हो जाता है तो मतलब फेंक देते हैं, लेकिन चार्जर उसका घर में ही पड़ा रहता है बेकार, उसका यूज़ हम आज करने वाले हैं, तो चार्जर भी आसानी से मिल जाएगा। और रही बात इस ग्लू स्टिक की, तो ये ग्लू स्टिक आपके आजू बाजू में मिल सकता है। तो यही है खर्चे वाला काम। ठीक है, तो उसमें आपको पैसे लगेंगे, ये 7 रुपये का है ये, और यहाँ पर मेरे पास 5 है तो इसी के अंदर हम यहाँ पर LED ऐसे फिटिंग करने वाले हैं इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन हमारा बनेगा, और उसे किस तरह के चलाने वाले वो सब हम आगे देखते हैं। वीडियो आधा मत छोड़ना गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ग्लू स्टिक है उसको बीच में से काट लेना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया है, और पहले तो ऐसे कोई भी चाकू ले लेंगे और आधा आधा करना है, तो एक लाइन में रख के ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो क्या है कि छोटा बड़ा नहीं होगा कोई, सब एक ही कटिंग अच्छी होगी मतलब। तो अब हमें क्या करना है, उसको बीच में से चाकू लेके काट देना है, वो कट जाता है आसानी से। इस तरीके से हमें काट लेना है गाइस, ये हमारे 1 के 2 हो गए, तो ऐसे खड़े भी रहेंगे, ऐसे खड़े करने हैं हमको, तो इस तरीके से सबको काट लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सबको काट लिया है, और एक ही नाप से है सभी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमें क्या करना है, सोल्डर आयरन से उसको हॉल करके अंदर फिट करना है हमारा LED। तो सबसे पहले तो ये LED को हम यहाँ रख देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसको
हॉल करेंगे बीच में, क्योंकि ये तो ग्लू गन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, हमारा जो एलईडी बल्ब है उसको अंदर फिट कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से हम सभी को ऐसे करके बल्ब अंदर डाल देंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबको ऐसे काट के फिर सोल्डर आयरन से उसको गरम करके यहाँ पे अंदर सबके अंदर एलईडी बल्ब को फिट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा साफ कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से साफ करके ये जो बल्ब है उसको ऐसे मोड़ देना है इस तरीके से। सो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमने सब कुछ क्लियर कर दिया, इसको काट के अंदर बल्ब भी फिट कर दिया है। और यहाँ पे ये जो आप पत्थर दिख रहे हो एक्चुअली ये क्या है, टाइल्स के जो बेकार जो टुकड़े बचते हैं ये है, या आप इसकी जगह पे और भी कोई यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़। इसका मतलब यही है कि खाली ये बैलेंस करने के लिए, इस तरीके से हम घम से इसको लगाने वाले हैं तो ये गिर न जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से खड़ा होगा तभी अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले तो सभी टाइल्सों पर ये लगा देते हैं। तो गाइस, इसको इसके ऊपर ये टाइल्स के टुकड़े के ऊपर चिपकाने के लिए आपको घम लेना है, इस तरीके से आपको लगाना है और फिर सिंपल इसके ऊपर आपको रख देना है। अब देख सकते हो ये चिपक गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक गया है। ऐसे ही गाइस ये सभी जो टाइल्स के टुकड़े हैं इसके ऊपर ये लगा देना है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबको ये टाइल्स के टुकड़े पे लगा दिया है ग्लू गन से। ठीक है, और यहाँ पे अब हम सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नाप ले लो आप इस तरीके से, ताकि ये जो है वो एक लाइन से आए। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से नाप ले सकते हो, अपने मकान के हिसाब से, जहाँ पे रखना चाहते हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपली हमें सोल्डरिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो फटाफट हम सोल्डरिंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सब कुछ क्लियर है, अब हम सोल्डरिंग करने वाले हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप सोल्डरिंग करें तो आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि जो वायर पॉजिटिव पे लगाया है वो सभी बल्ब को पॉजिटिव पे ही लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर लिया हूँ कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है एलईडी का और कौन सा नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है तो हम वहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। इसको जोड़ना बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये पैरेलल है, सीरीज में नहीं है। तो इस तरीके से आप है ना कर सकते हो। और अभी ये नाप मैं आपको बता देता हूँ कि इतना वायर मैं रख रहा हूँ, 2 फीट की दूरी पे मैं ये जो है दूसरा ऐसा एलईडी हम लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से सिंपली ये ऐसे निकाल दो इस तरीके से, और कैची से उसको छील लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसे हम कर देते हैं सोल्डरिंग। और हम लेते हैं अब हमारा एलईडी, उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव है, सो हम उसको सोल्डरिंग कर देते हैं। और यहाँ पे वायर में आपको 3 वायर दिखेंगे, तो ये जो बीच वाला है वो खाली वायर ही है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये 3 वायर क्यों यूज़ किया है, ये एक्चुअली पिक्सल एलईडी का जो कनेक्शन है इसका वायर है, तो उसमें 3 वायर होते हैं। यहाँ पे इसके हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप काट भी सकते हो और ऐसे भी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे 2 एलईडी जुड़ चुके हैं।
तो गाइस यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया है, यानी कि जो हम सीरीज बना रहे थे बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी, सो हमारी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने चार्जर का यूज़ किया है, वो सैमसंग का है, यानी कि आप मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सैमसंग का था, पुराना वेस्ट पड़ा तो उसका यूज़ किया है। और यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइट का है वायर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रूम की सारी लाइटें ऑफ कर दी है और अब हमने यहाँ पे ऐसे कतार में लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सस्ता है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो ये आप घर पर बना सकते हो और उसके जो कलर्स है वो भी बहुत अच्छे से पूरे ऊपर तक दिख रहे हैं, मतलब लाइट नीचे जल रही है और ऊपर तक दिख रहा है। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छी लगेगी और ये आप दीपावली के घर पे बना सकते हो। अभी आज अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी एक घंटे में भी ये बना सकते हो, ठीक है, और आपकी दीपावली पे चार चांद लग जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।